वेलकम टू द वन अकेडमी। अब आज हम क्लॉक्स के कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए ये बोल रहा है, एन एक्यूरेट क्लॉक शोज 8 o'clock इन द मॉर्निंग, देन हाउ मेनी डिग्रीज विल द आवर हैंड रोटेट व्हेन द क्लॉक शोज 2 o'clock इन द आफ्टरनून। ये तो देख के समझ में आ रहा है कि 180 डिग्री होगा, है ना। यहाँ पे 8 होगा और फिर मेरे जब 2 बजेगा तब मेरा आवर हैंड इधर हो जाएगा, तो 180 डिग्री। लेकिन अगर इसको सॉल्व करना है तब कैसे होगा। अब 8 से 2 कितने घंटे हो गया मेरा, 6 आवर्स इंटू कितना, 60 मिनट्स। अब मेरा जो आवर हैंड है उसकी स्पीड कितनी होती है, हाफ डिग्री पर मिनट, तो इंटू हाफ कर दिया, 2 3 का 6 इक्वल्स टू 180 डिग्री आवर हैंड मेरा मूव किया, तो डी इज़ द आंसर। अब ये बोल रहा है द रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक एट 10:25। अब रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एक एंगल है, तो रिफ्लेक्स एंगल होता है 360 डिग्री माइनस, रिफ्लेक्स एंगल हमेशा 360 डिग्री से एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दो तो मेरा रिफ्लेक्स एंगल आ जाता है। अब वो बोल रहा है कि द रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक एट 10:25 कितना होगा, तो पहले एंगल निकाल लेते हैं 10:25 में, तो 10 + 25 × 60 इतना आवर्स चला मेरा आवर एंड, इंटू 60 मिनट्स उसकी स्पीड कितनी होती है 1/2 डिग्री, माइनस मिनट्स हैंड कितना चला 25 उसकी स्पीड कितनी होती है 6 डिग्री पर मिनट, तो ये हो गया मेरा 30, ये हो गया 300, ये हो गया मेरा 12.5, ये हो गया -150, ठीक है, ये मेरा एंगल हो गया। अब 360 डिग्री से मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये मेरा प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 + 150, ये हो जाएगा 210 - 12.5, ये हो जाएगा मेरा 197.5 या 197 1/2 डिग्री, डी इज़ द आंसर। अब वो बोल रहा है थर्ड क्वेश्चन, अ क्लॉक इज स्टार्टेड एट नून बाय 10 minutes past 5 द आवर हैंड हैज टर्न थ्रू कितना डिग्री, तो 10 minutes past 5 इसका मतलब 5:10, 12 बजे सुई यहाँ होगी, 5:10 पे कितना हो जाएगा आवर हैंड यहाँ हो जाएगा, मिनट्स हैंड कहीं यहाँ होगा, तो ये जो आवर हैंड है ये कितना चला है वो पूछ रहा है, ओनली आवर हैंड का एंगल पूछ रहा है। अ क्लॉक इज स्टार्टेड एट नून बाई 10 minutes past 5 द आवर हैंड हैज टर्न थ्रू हाउ मच डिग्री, आवर हैंड कितना देर चला 5 hours + 10/60 hours, इतना आवर्स चला इंटू इतना मिनट्स चला, 1 मिनट में कितना चलता है 1/2 डिग्री, तो ये 30 हो गया, ये हो गया 150, ये हो गया 5 = 155 degree, तो सी इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अ वॉच गेन्स 5 seconds in 3 minutes वॉज सेट राइट एट 7 AM इन द आफ्टरनून ऑफ द सेम डे व्हेन द वॉच इंडिकेटेड 4:15 द ट्रू टाइम इज कितना। अब इसका पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कैसे होता है। देखिए ये मेरी एक ट्रू क्लॉक है, ये मेरी एक फॉल्स क्लॉक है, फॉल्स क्लॉक मेरी या तो फास्ट चलती है या मेरी स्लो चलती है। जब वो क्लॉक मेरी फास्ट चल रही है मतलब ट्रू क्लॉक, अगर बाई चांस मेरी टू क्लॉक दोनों में 12:12 बजे थे तब दोनों में ठीक था, अब इसमें मेरा 1 घंटा हुआ लेकिन फास्ट क्लॉक ज़्यादा तेज चल रही है तो यहाँ पे कितना होगा 2 बज चुका होगा, है ना। अब स्लो क्लॉक है, बाई चांस मेरा अगर 2 बजा, ठीक है, तो स्लो क्लॉक धीरे चल रही है तो उसमें कितना बजा होगा, उसमें अभी 1:30 बजा होगा, तो मेरी हमेशा जो स्लो क्लॉक होती है उसमें टाइम क्या होता है लूज़ होता और जो फास्ट क्लॉक होती है उसमें टाइम मेरा गेन होता है। ये कॉन्सेप्ट हमको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 7 बजे दोनों मेरा सही टाइम शो कर रही थी, ठीक है, ये मेरी ट्रू क्लॉक ये मेरा फॉल्स क्लॉक, 7 बजे दोनों का टाइम सही था।
अब वो बोल रहा है अ वॉच गेन 5 सेकेंड्स इन 3 मिनट्स, ठीक है। जब 2 क्लॉक मेरा 3 मिनट बचता है, 3 मिनट होता है, तो इसमें कितना होता है 3/5/60 मिनट्स हो जाता है। अब वो बोल रहा है इन द आफ्टरनून ऑफ द सेम डे व्हेन द वॉच इंडिकेटेड 4:15, मतलब जब फॉल्स क्लॉक में 4:15 हो गया, तब इसमें मेरा कितना टाइम होगा, ठीक है। अब पहले ये निकाल लेते हैं हम लोग, 7 बजे सही टाइम था और 4:15 में कितने घंटे बीत गए, 9 घंटा प्लस 15/60, इतने आवर्स मेरे बीत गए, तो यहाँ पे मेरा कितना होगा ये मुझे निकालना। तो मेरी इक्वेशन हो गई 3/3 प्लस 5/60 इंटू 9 आवर्स प्लस 15/ इस आवर्स हो गया, है ना। तो मेरा कितना हो गया, ये इतना घंटा, इतने आवर्स। इसको सॉल्व कर लेते हैं, हो जाएगा 3 × 60, ये हो गया 185, है ना। ये हो गया मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 5/5/5/60, 60 से 60 कट गया, ये 3 से कट गया, तो मेरा आ गया 9 आवर्स। तो 2 क्लॉक में मेरा, अगर इसमें मेरा 9 आवर्स प्लस 15/60 आवर्स हुआ है, तो 2 क्लॉक में मेरा 9 आवर्स आगे होगा। तो 7 बजे से 9 घंटे आगे कितना हो गया मेरा, 4 बज गए, 4 PM, तो 4 PM इज द आंसर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ है, वो गड़बड़ समझते पहले क्या है। ये देखिए, ये बोलता है इफ द हैंड्स कंसाइड्स एवरी 64 मिनट्स। अब ये मेरी क्लॉक है, अब ये जो क्लॉक है ये मेरी फास्ट चल रही है। अब ये क्लॉक के मिनट्स हैंड तेज चल रहा होगा, ठीक है, तो हमारा ये इससे जाके जल्दी मिल जाएगा, ठीक है, जल्दी मिलेगा। अब देखिए, जब क्लॉक मेरी फास्ट चलती है तो टाइम मेरा गेन होता है, और जब क्लॉक मेरी स्लो चलती है तो टाइम मेरा लूज होता है, ये मैं जानता हूँ, ठीक है। अब देखिए, ये मेरा बाई चांस आवर्स का हैंड है और ये मेरा मिनट्स का हैंड है। अब ये क्लॉक पहले हम देखते हैं मिलती कितनी देर पे है। अब मिलने के लिए ये कहीं 1 बजा, 1 के बाद कहीं ये मिलेंगी दोनों क्लॉक, है ना, ये दोनों मेरी घड़ियाँ यहाँ कहीं मिलेंगी, ठीक है। अब मेरे को टाइम निकालना है, पहले यही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कितने टाइम के बाद दोनों हमारा मिलेगा। इसमें हम रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ठीक है, ये 2 कार्स चल रही हैं, ठीक है, एक मेरी 100 स्पीड से चल रहा है, एक मेरा 50 स्पीड से चल रहा है। अगर मैं इस 50 वाले को 0 मान लूँ कि ये रुका हुआ है, तो इसको ये लगेगा कि ये मेरी कार जो है 50 की स्पीड से आगे जा रही है ना। अगर मैं इसको 0 मान लूँ तो ये लगेगा कि ये जो कार है मेरी पीछे जा रही है -50 की स्पीड से, ये पीछे जा रही है। तो ये मेरा रिलेटिव कॉन्सेप्ट, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है। इसमें एक को स्टेबल मानते हैं और देखते हैं उसके कंपैरेटिव में दूसरा कितना तेज मूव कर रहा है, ठीक है। अब देखिए, क्लॉक्स के अंदर देखते हैं, क्लॉक्स के अंदर ये मेरा आवर हैंड है, ये चलता है मेरा 6 डिग्री पर मिनट से, सॉरी ये मेरा मिनट्स हैंड है, ये मेरा 6 डिग्री पर मिनट से चलता है, और ये ब्लू वाला मेरा आवर हैंड है, ये चलता है 1/2 डिग्री पर मिनट से, ठीक है। अब ये ऐसे जाएगा और ऐसे घूम के आ जाएगा, तो मेरी मिनट्स हैंड की रिलेटिव स्पीड कितनी होगी आवर्स हैंड में, अगर आवर हैंड में रुका हुआ मानूँ, यहाँ पर यहाँ रुका हुआ मानूँ और सिर्फ एज्यूम करूँ कि मेरा मिनट्स हैंड ही मूव कर रहा है, तो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी इसकी, 6 - 1/2 मतलब 11/2, है ना, 11/2 डिग्री पर मिनट। अब देखिए, अब इसको पूरा घूम के वापस आना है,
ये यहीं पर रुका हुआ है, रिलेटिव स्पीड हमने देख ली, तो मेरा आवर हैंड यही हो गया। मिनट हैंड कितना घूमेगा, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी है 11/2, तो ये मेरा कितना आ गया, ये मेरा आ गया टाइम। इतने टाइम के बाद मेरा दोनों क्लॉक्स मिलेंगी, ठीक है। ये कितने आवर्स हो गया, 720 डिवाइडेड बाय 11, 11/6 66, ये आया मेरा 6, ये 0, 11/5 55, मतलब हो गया 65/11/5 मिनट्स, है ना। इतने मिनट्स के बाद मेरी वो दोनों घड़ियाँ मिलेंगी, तो मतलब 1 घंटा 1 hour 5/5 11 minutes के बाद मेरी घड़ियाँ मिलेंगी। अब देखिए, अब बाई चांस ये मेरी फॉल्स क्लॉक है, ठीक है, ये तेज घूम रही है, तो तेज घूमने का मतलब ये नहीं है, ये 12 है, ये 1 है, ये नहीं कि इससे पहले ही मिल जाएंगी दोनों, ऐसा नहीं कि इससे पहले मिल जाएंगी। माना कि तेज घूम रही है, ये क्लॉक फास्ट है, लेकिन क्लॉक है तो ठीक, दोनों का रिलेटिव जो मोशन है वो तो ठीक है, मिलेगी मेरा इतने बजे ही, ठीक है। जब 1 घंटा मतलब 1 घंटा 5/11 मिनट हो चुका होगा, थोड़ा इससे आगे होगा, तभी मेरा यहाँ मिलेगा, लेकिन थोड़ा तेज चल रहा होगा। तो बाई चांस मेरे पास एक सही क्लॉक है, बाई चांस मैं कहूँ डिजिटल क्लॉक है, कायदे से जब मेरी डिजिटल क्लॉक में इतना टाइम लैप्स होता, 1 घंटा + 5/11 मिनट होता, तब वो मिलती, लेकिन क्योंकि ये घड़ी मेरी तेज चल रही है, तो मेरे को डिजिटल क्लॉक में सिर्फ 64 मिनट्स ही नज़र आएगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब देखिए, अब कितना गैप कितना आ रहा है, कितना तेज चल रहा है वो, ये 65/5/11 है -64, ये कितना आ जाएगा मेरा 1/5/11, मतलब 16/11। इतने मिनट्स मेरी पर आवर मेरी, मेरा इतने मिनट से मेरी जो क्लॉक है वो फास्ट चल रही है, ठीक है। अब देखिए, जब ट्रू क्लॉक में 64 मिनट होता है, तो कितना गैप आ रहा है, 16/11 मिनट्स का गैप आ रहा है। अब वो पूछ रहा है एक दिन में कितना टाइम मेरा वो गेन करेगी, ये लूज़ नहीं है, ये गेन है, है ना। 64 मिनट्स में वो इतना टाइम गेन कर रही है ना। ट्रू क्लॉक में कितना, डिजिटल क्लॉक में 64 शो कर रही है, लेकिन एक्चुअली में वो क्या शो कर रही है मेरा, 65/5/11 शो कर रही है, फॉल्स क्लॉक, ये मेरी फॉल्स क्लॉक है। तो कितना टाइम मेरा ये गेन कर गई, इतना टाइम गेन कर गई है ना 64 मिनट्स में। अब मुझे पूरे डे में निकालना है, पूरी डे में कितने मिनट्स होंगे, 24 × 60, तो ये मुझे निकालना है, ये हो जाएगा 16/11, है ना, डिवाइडेड बाय 64 × 24 × 60, आ जाएगा 8 × 3 = 24, 8 × 8 = 64, 8 × 2 = 16, ये हो जाएगा 360/11, इसको डिवाइड कर देता हूँ 360 को 11 से, जाएगा 11 × 3 = 33, 3 = 0, 11 × 2 = 22, और ये 8, मतलब 11 × 32/8, 24 आवर्स में इतना मिनट मेरा गेन करेगी। तो क्या आंसर है मेरा, दिस वन ए इज द आंसर। ये जो वीडियोस हम बना रहे हैं एज पार्ट ऑफ वन अकेडमी बना रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आप कमेंट्स करिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लॉक का क्लियर कर सकूँ। थैंक यू सो मच।